वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की दो ऐसी ट्रिक कवर करेंगे जो कि शायद ही आपने कहीं इसके पहले देखी हो। तो जैसे कि आप अगर कोई रिपोर्ट मेंटेन करते हो, राइट, तो रिपोर्ट जैसा कि यहां पर मेरे पास ये एक जो है एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो है मुझे किसी से शेयर करना है, लेकिन एज इट इज इसको मतलब ये पूरी शेयर नहीं करना है। मतलब यहाँ पर जो है ये टोटल ये रिपोर्ट के अंदर में जो कॉलम्स है इसमें से मुझे सिर्फ 4 कॉलम शेयर करना है, राइट। तो ऐसे हालत में अगर जैसे कि अगर मैं कुछ मतलब आपको अगर आप ये करना चाहे तो जनरली हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से इसको करने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे कि अगर सपोज मुझे जो है 3 नंबर का रो, उसके बाद जो है 5 नंबर का रो, इस तरह से अगर कुछ करना हो तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर आपका ये डेटा सेट बहुत ज्यादा हो तो आपका ये जो टास्क है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग साबित हो सकता है। तो इसके लिए आप एक्सेल का एक जो नया फॉर्मूला है चूज रोज, ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला करता ये है कि आप जो उसको डेटा जो स्पेसिफाई डेटा देंगे उसमें से जो नंबर ऑफ रोज आप उसमें मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, सिर्फ वही रो को यहाँ पर वो एज अ रिजल्ट आपको देगा, राइट। तो हम यहाँ पर अभी पहले ऐसा कर लेते हैं कि समझने के लिए यहाँ पर रो को जो है नंबर दे देते हैं, राइट। हाँ, टोटल ये 10 रो है। तो यहां पर अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू चूज रोज, राइट। ये जैसा कि अभी यहां पर जो है ब्रैकेट ओपन करना है। अब ये मांग रहा है एरे, एरे मतलब हम हेडर छोड़ के पूरा हमारा जो डेटा सेट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा के बाद ये रो नंबर पूछ रहा है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, इस तरह से आपको यहां पर जो है रो यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है। तो मुझे यहां रो नंबर 2 लेना है, उसके बाद रो नंबर 5, रो नंबर 8 और रो नंबर 3, राइट। उसके बाद ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करूंगा। तो ये देख लीजिए, निशांत ये जो है सेकंड रो है, राइट। उसके बाद ये फिफ्थ रो है, उसके बाद ये जो है एट्थ रो है, और ये जो है थर्ड रो है। तो इस तरह से आप जो है ये फार्मूला यूज करके मतलब चूज रो ये फार्मूला यूज करके आपको जो पर्टिकुलर जो डेटा सेट चाहिए वो इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये तो हो गई रो की बात। सपोज अगर आपको ये सेम जो है अगर कॉलम चाहिए, आपको सिर्फ कॉलम, रोज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए भी एक नया फार्मूला आया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अभी ये फिलहाल जो है मतलब न्यू वर्जन में ही अवेलेबल है। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं कि हमको पूरे कॉलम नहीं चाहिए, राइट। हाँ, तो अभी मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर का कॉलम, उसके बाद में 4 नंबर का कॉलम और 5 नंबर का कॉलम चाहिए, राइट। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा सेम चूज कॉलम्स, COLS। पहले हमने रोज लिया था, यहां पे कॉलम्स लेना है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एरे मांग रहा है, ये भी सेम है, मतलब कि यहां पर हम जो है हेडर को छोड़ के पूरा डेटा सेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर मुझे कॉलम नंबर 2 चाहिए, उसके बाद में कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ। तो ये देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है। तो कुछ इस तरह से मतलब ये फंक्शन काम करता है। ये फंक्शन की और एक मतलब जो है बात यह है कि अगर आप ये जो फंक्शन लगाते हैं, राइट, अभी सपोज जैसे कि मैं ये फंक्शन को जो है यहां से हटा देता हूं और यहां पर कुछ पहले से कोई टेक्स्ट रहता है, राइट,
और उसके बाद अगर आप ये फंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, कोई भी मतलब चूज रो या चूज कॉलम, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, राइट। ये अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद 2, 4 और 5 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर। तो यहां पर ये स्पिल करके जो है यहां पर एरर आता है, क्योंकि इसका जो डेटा सेट है यहां पर जो है वो यहां तक आना है और यहां पर बीच में ऑलरेडी पहले से कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, इसलिए ये यहां पर स्पिल करके हैश स्पिल इस तरह से ये एरर आएगा। अगर ये यहां से हम ये मार्क्स को हटा देते हैं तो ये जो है फंक्शन प्रॉपरली काम करेगा। तो इस तरह से आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ये 2 फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा ये आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Subscribe to Marks Excel India and like this tutorial and share with your friends. Thanks for watching.